ये बॉलीवुड का पिछले करीब 100 सालों में सबसे बुरा दौर है। एक के बाद एक बड़ी बजट की फ्लॉप होती फिल्में और स्टारडम को लेकर पब्लिक के बीच में बायकॉट की लहर बॉलीवुड के सारे मोरल को डाउन कर रही है और अब सारा दारोमदार खांस पर तय हो गया है। कहा जा रहा है कि जब तक खांस एक साथ नहीं आएंगे बॉलीवुड वापस से रूल नहीं करेगा और साउथ इंडिया के सामने घुटने टेकता रहेगा। बट खांस के साथ भी बहुत बड़ा डिलेमा है। खांस हमेशा एक साथ तीनों एक पर्दे पर बहुत कम आते हैं, एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो तो करते हैं बट एक साथ नहीं आते हैं। ऐसे में ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट यानी बॉलीवुड के फ्लैशबैक से एक ऐसी मूवी की स्क्रिप्ट है जो कि बॉलीवुड की ट्रिपल आर बन सकती है, बॉलीवुड को वापस से पुराने सिंहासन पर कब्जा साबित करने के लिए हेल्प कर सकती है। और ये ट्रिपल आर बॉलीवुड के तीन खान है। अगर बॉलीवुड की ओरिजिनल स्टाइल में बात करें तो इस ट्रिपल आर का मतलब रिवोल्ट, राइज और रोवर नहीं बल्कि राजू राजा राम है, जो कि 1997 में डेविड धवन ने कॉन्सेप्टलाइज किया था। एक ऐसी मूवी है ट्रिपल आर राजू राजा राम जो कि उस टाइम सलमान खान के साथ बन रही थी विद गोविंदा एंड जैकी श्रॉफ, जिसका प्रॉपर फोटो शूट भी हुआ था और मुहूर्त के साथ साथ शूटिंग भी स्टार्ट हुई थी बट किसी वजह से बन नहीं पाई। लेकिन ये मूवी अगर उस टाइम बन जाती तो डेविड धवन के ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक और लिस्टेड हो जाती है, बिकॉज उस वक्त सलमान खान के साथ, गोविंदा के साथ, अनिल कपूर के साथ डेविड धवन ब्लॉकबस्टर फिल्में बना रहे थे। फिर चाहे वो राजा बाबू हो या बीबी नंबर वन हो, जैसी फिल्में थी सारी चलती थी। ऐसे में राजू राजाराम यानी ट्रिपल आर बनी थी। ट्रिपल आर में जैकी श्रॉफ पहली बार डेविड धवन के साथ इस तरह कास्ट किए गए थे बट वो मूवी बनी नहीं। मनीषा कोइराला मार्केट से आउट हो गई और सलमान खान के साथ गोविंदा का झगड़ा हो गया पार्टनर से पहले तक। पार्टनर के बाद दोनों एक साथ काम करने आए और एक साथ बहुत ही ब्लॉकबस्टर केमिस्ट्री वाली मूवी को पब्लिक के सामने पेश किया। तो ट्रिपल आर का जिक्र इसलिए आज जरूरी है बिकॉज ट्रिपल आर ने साउथ को एस्टेब्लिश किया पूरे दुनिया में पैन इंडिया लेवल पर, और बॉलीवुड को भी एक ऐसे ट्रिपल आर की जरूरत है जो उनको कामयाबी के बॉक्स ऑफिस पर फिर से एस्टेब्लिश कर सके। ऐसे में कॉमेडी से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता और सलमान खान डेविड धवन का कॉम्बिनेशन विद गोविंदा तो हमेशा मारक होता ही है। तो ऐसे में साउथ को अगर राजमौली ट्रिपल आर दे सकते हैं तो बॉलीवुड को डेविड धवन भी ट्रिपल आर दे सकते हैं। हाँ, इसमें ट्विस्ट ये हो सकता है कि अब सलमान खान के साथ गोविंदा जो कि आउट ऑफ मार्केट हो चुके हैं, जैकी श्रॉफ जो कि करेक्टर रोल प्ले करने लग गए हैं, तो सलमान खान के साथ अब SRK को और आमिर खान को कास्ट करना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्रिप्ट हो सकती है कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से तीन खान्स को एक साथ लाने के लिए। और अगर तीनों खान पहली बार बॉलीवुड में राजू राजा राम यानी ट्रिपल आर के रोल में नजर आएंगे और कॉमेडी के तौर पर एक साथ नजर आएंगे तो ये अंदाज अपना 2 वाली फील आएगी, बिकॉज तीनों एक्टर एक्शन फिल्म में खूब कर रहे हैं बट कॉमेडी रोमांस में एक साथ नजर नहीं आते हैं। जैसा कि इसके पोस्टर से, फोटोशूट से अंदाजा लगता है यहाँ पर तीन लोग एक हीरोइन के पीछे पड़े हैं। जैसे देवर धवन की मूवी दीवाना मस्ताना में 2 एक्टर एक एक्ट्रेस का एंगल था, यहाँ पर 3 एक्टर एक एक्ट्रेस का पंगा है। तो कोई बहुत ही चुलबुली और साउथ की बॉम्बशेल एक्ट्रेस को कास्ट कर सकते हैं, रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े टाइप की, और सलमान खान के साथ आमिर SRK ट्रिपल आर को बॉलीवुड की एक कॉमेडी और एंटरटेनिंग ट्रिपल आर बना सकते हैं। बाकी डेविड धवन एक्टिव हैं, उनके बेटे वरुण धवन भी एक्टिव हैं, उनके दूसरे बेटे भी एक्टिव हैं जो देसी बॉयज बना चुके हैं, डिसूम बना चुके हैं। ऐसे में अगर वो सारे मिलकर ट्रिपल आर पर काम करें तो बॉलीवुड को वापस से ट्रिपल आर यानी राइज, रोज और रोर करने का मौका दे सकते हैं। और बॉलीवुड को इस वक्त ट्रिपल आर की बहुत सख्त जरूरत है। अब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान के ऊपर पूरा दारोमदार है, बॉल्स उनके कोर्ट में है। अगर वो डेविड धवन के साथ ट्रिपल आर की शूटिंग कंप्लीट करते हैं तो बॉलीवुड रिवाइव हो सकता है, वरना ऐसे ही रेंगता रहेगा। आजकल तो देखकर यही लगता है। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।